पुस्तक विमोचन के अनेक कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिलता है और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाने में, खास करके इमरजेंसी के बाद, क्योंकि इमरजेंसी के काल में मुझे स्मरण आता है कि अगर इमरजेंसी में हम जितने लोग अंदर जेलों में बंद थे, मैं स्वयं अटल जी के साथ बेंगलोर जेल में था, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए बेंगलोर गया हुआ था 25 जून 1975 को। मुझे कल्पना नहीं थी कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के अलावा लंबी कमेटी हो जाएगी 19 महीने की, और वो भी बेंगलोर के कारावास में। लेकिन मैं इतना हमेशा स्मरण करता हूँ कि कारावास में जितने लोग थे, खास करके जब समय काफ़ी बीत गया, शुरू में अंदाज़ा नहीं होता था, बाद में जो लोग आए वो तो सत्याग्रह करके आए थे, उनको पता था कि कितना भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर जब भी कभी कोई खबर आती थी कि अमुक व्यक्ति रिलीज होने वाला है, तो रिलीज शब्द सुनते ही एक आनंद का अनुभव सबको होता था। तो मैं तब उसके बाद कहता हूँ कि अब आजकल हिंदी में तो कहते हैं इस पुस्तक का लोकार्पण होगा, अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं कि ये पुस्तक रिलीज होगी, और इसीलिए आप आकर के रिलीज करें। मैंने कहा रिलीज ज़रूर करूँगा, मैं आऊँगा, अच्छा काम है। लेकिन आज का यह जो पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है बाल आपटे का, अभी अभी जो मैंने और मेरे सब लोगों ने यहाँ पर मिल करके उसका प्रदर्शन किया, प्रभात जी ने सही कहा कि ये केवल उनके जो अंग्रेजी में लेख है आपटे जी के, या अंग्रेजी में भाषण है, उन्हीं का संकलन है। वो राज्यसभा में भी थे तो हिंदी में भी बोलते थे, और बाहर तो मुझे विश्वास है कि जब भी मुंबई में या महाराष्ट्र में जाते होंगे तो मराठी में अधिक बोलते होंगे, स्वाभाविक है। और मैं स्वयं अपने अनुभव से जानता हूँ कि आज भले ही मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में भी बोलना सबसे अधिक सहज किसी भाषा में है तो हिंदी में है, लेकिन 20 वर्ष की आयु तक, जिसका अर्थ है कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, अंग्रेज का शासन यहाँ पर था, तब तक मुझे हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता था। मुझे भाषाएं दो ही मैं मेरे परिचित थी, और वे थी मेरी मातृभाषा सिंधी और मेरी शिक्षण की भाषा अंग्रेजी। ये दो, इन दो भाषाओं से मैं परिचित था, यहाँ तक कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना 14 वर्ष की आयु में। तब अंग्रेज का शासन था यहाँ पर, और मैंने संघ का भी जो प्रशिक्षण होता है, जिसको OTC के नाम से लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर OTC, सेकंड ईयर OTC, थर्ड ईयर OTC, ये भी सब मैंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किए। 46 में मैंने थर्ड ईयर OTC की, और आज जब यहाँ पर दत्ता होस्कोले जी और अपने मालगी प्रबोधिनी के, ये दोनों विनय जी, ये दोनों जो इस पुस्तक के एडिटर्स हैं, वो पुस्तक के बारे में विनय जी बता रहे थे, दत्ता जी जो हैं वो आपटे जी के बारे में बता रहे थे, तो
मुझे साफ दिख रहा था कि आज यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश ऐसे दिखते हैं कि जो कभी ना कभी विद्यार्थी परिषद में है। आज मैं जब भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ तब भी सहयोगियों से अनेक बार पूछता हूँ कि आप बीजेपी से कब से जुड़े, जनसंघ के काल से या बाद में जब बीजेपी बनी उसके बाद से, तो बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम मूलतः तो एबीवीपी के कारण आए, वो हमारे वेंकैया जी बैठे हैं यहाँ पर, वो हों चाहे महेश जी बैठे हैं, वो हों चाहे ये मुरलीधर राव बैठे हैं या कोहली जी बैठे, ये सब जो सामने सामने बैठे हैं मेरे, वो आज भले ही मैं इनको कहूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के अमुख हैं, फलाने हैं, ढिके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस गैदरिंग में, मैंने पहले कोई इतनी बड़ी गैदरिंग बुक रिलीज की नहीं देखी जिसमें संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। प्रमुख अधिकारी स्वयंसेवक तो सभी हैं, वो तो बीजेपी का कार्यक्रम है तो भी सब स्वयंसेवक होते हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी प्रेजाइड कर रहे हों, दत्ता जी होसबोले उनके साथ साथ बैठे हों, तो एक असाधारण कार्यक्रम। और इसीलिए महिला हो पुरुष हो, जितने बाद में आए देर से आए सब लोग खड़े हैं, और ये 100 से ज्यादा तो खड़े ही हैं। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितना महान योगदान संघ परिवार का है, उसकी श्रेष्ठता के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके भविष्य निर्माण के लिए, किसी और संस्थान का नहीं, किसी और संगठन का नहीं। और पिछले दिनों में मुझे स्मरण है, क्योंकि मैं स्वयं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तो 42 में स्वयंसेवक बना, जिसका मतलब है कि तब मैं ही कभी पूछता था राजनीति के बारे में, संघ दिलचस्पी नहीं लेता, तो मुझे सुनाया जाता था। मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी को, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के संस्थापक थे, उनको देखा था, उनका स्वर्गवास 42 से पहले हुआ, 40 में हुआ, और मैं 42 में स्वयंसेवक बना कराची में, और सिंध में तो शाखा जो है वो भी 39 में बनी शायद। और उन दिनों में ये बताया जाता था कि डॉक्टर हेडगेवार जी कहा करते हैं कि दैट अ स्लेव कंट्री हैज नो पॉलिटिक्स, एक दास देश, एक गुलाम देश, उसकी कोई राजनीति नहीं होती। और इसीलिए मैं समझता हूं कि राजनीति में आज रुचि तो लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना कहते हुए भी वो डॉक्टर साहब कहा करते थे कि मैं स्वयं तो किसी समय कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, और आज भी आंदोलन होता है, आह्वान होता है कारावास जाने का तो जाता हूं, इतना ही नहीं तो एक अनुशीलन समिति नाम की एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिसका बेस कलकत्ते में था, और वो उसके भी सदस्य थे, उसके कार्यक्रम के लिए भी कलकत्ता जाते थे। मैं इस बात को इसलिए जानता हूं कि लेफ्टिस्ट जो है ना, उनमें से एक लेफ्टिस्ट बहुत प्रमुख लेफ्टिस्ट था कि जिसको जब हमने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा देखो आपकी बहुत आलोचना करते हैं सारे मेरे साथी कम्युनिस्ट और जितने लेफ्टिस्ट हैं, संघ की आलोचना बहुत करते हैं और इसलिए जनसंघ की भी आलोचना बहुत करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि जानता हूं कि आपके डॉक्टर हेडगेवार जी जो थे वो कलकत्ता आते थे तो अनुशीलन समिति की बैठक के लिए आते थे, तो मैं उनका हमेशा आदर करता हूँ, इसलिए संघ की आलोचना मैं कभी नहीं करता।
आज मैं इन बातों का स्मरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में जब तक अंग्रेज का शासन यहां पर था तो मन में एक ही इच्छा होती थी कि भारत स्वतंत्र कैसे होगा, भारत इस दासता से मुक्त कैसे होगा, ये गुलामी कैसे खत्म होगी। और मैं जब बता रहा था आपको कि मैं 46 में ओटीसी के लिए नागपुर गया, थर्ड ईयर ओटीसी के लिए, तो तब जो है मुझे अनुभव एक बात हुआ कि उन दिनों में जो ट्रेन जाती है आज नागपुर में वो है सेंट्रल रेलवे, और उस सेंट्रल रेलवे को अंग्रेज के शासन में उसका नाम था जीआईपी रेलवे। जीआईपी का अर्थ था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, और मैं उस ट्रेन में बैठा तो देख करके आश्चर्य हुआ मुझे कि ट्रेन में मैं जा रहा था तो कंपार्टमेंट में जितनी चीज़ें थीं कि जो अलग की जा सकती थी, जैसे नलका है, जैसे टॉयलेट में आईना लगा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ क्या था? लिखा हुआ होता अगर जीआईपी तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन सब पर लिखा हुआ था स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी। जैसे कोई ये मान करके चले कि भारतीय जो है ना वो चोर हैं, और इन चीजों को देख करके जो वहां से हटाई जा सकती है वो घर ले जाएंगे चोरी करके, और चोरी करके ले जाएंगे जाकर के अपने घर पे लगाएंगे, अगर वो आईना लगा देंगे वहां पर, मिरर लगा देंगे, तो देखने वाला देखेगा लिखा हुआ है स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी, एंड इट वाज ह्यूमिलिएटिंग, यानी अपमानकारक था। देख करके इतना वो होता था कि ये कैसा शासन है, क्योंकि बहुत बार ऐसी कल्पना होती है कि अंग्रेज का शासन बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था, वो तो मुगलों का शासन खराब था या विदेशी जो आक्रमण आए थे वैसे। लेकिन मैं इस बात को स्मरण करता हूँ, और तब भी बात अपने शाखा के कार्यक्रमों में, बौद्धिक वर्ग में आदि में बोलता था इस बात को, ये है हमारे ऊपर शासन करने वाले जो हमको चोर मान करके चलते हैं। और मैं मानता हूँ कि आज भी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं था तब तक डॉक्टर हेडगेवार ये कहते थे कि अ स्लेव कंट्री हैज़ नो पॉलिटिक्स, इसीलिए राजनीति में कोई रुचि लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साल जो है 2013 का साल है, और देश में विदेश में जो लोग भी स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं वे सब इन दिनों में, और 150वीं वर्षगांठ स्वामी विवेकानंद जी की मना रहे हैं, और ये सितंबर का महीना है। मैं कहता हूँ सितंबर का महीना और विशेष है उसी दृष्टि से, क्योंकि यही महीना है कि जब वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी